जा रहे हैं रेसिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? रेसिस्टेंस का मतलब होता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय विच बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेसिस्टेंस एक ऐसी चीज है, एक रेसिस्टेंस का मतलब हो गया रुकावट। क्या हो गया? यानी किसके अंदर रुकावट की बात हम कर रहे हैं? कंडक्टर के अंदर रुकावट की बात कर रहे हैं। जैसे हमने इस रेसिस्टेंस के वर्ड को पढ़ा था, हमारे जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन था कौन सा? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने रिलेशन देखा था करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा। वहां पर हमने आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी देखा था, और वहां पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वही हमारे पास आर था, यानी रेसिस्टेंस था। अब वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उनकी स्पीड को कोई चीज कम कर रही होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस। अब हमने बहुत सारी वायर की बात की, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं गोल्ड के वायर की। हमारे पास गोल्ड की एक वायर है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब भी हम सोने की कोई तार बनाते हैं वो प्योर सोने की नहीं होती, प्योर गोल्ड की नहीं होती, उसमें या तो कॉपर मिक्स होगा या प्लेटिनियम मिक्स होगा और या सिल्वर मिक्स होगा, ठीक है? ये तीन चीजें उसमें मिक्स होंगी। अगर ये मानो कि ये एक वायर है गोल्ड वायर, इसमें हमने मिक्स किया है, तो ये एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसका होगा? गोल्ड का तो होगा, सिल्वर का भी होगा, और मान लीजिए एक इस तरीके का है तो ये कॉपर का भी होगा। जब करंट, जब हमने इस वायर के साथ बैटरी को कनेक्ट किया तो करंट कैसे फ्लो करेगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। जब करंट फ्लो करेगी तो करंट के फ्लो से क्या होगा? वायर के, जब बैटरी जोड़ेंगे, बैटरी से क्या मिला? बैटरी जोड़ने से क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, यानी एक तरफ नेगेटिव आयंस और एक तरफ पॉजिटिव आयंस। तो बैटरी के जोड़ने से जो वोल्टेज मिली, जो पावर मिली, तो उससे क्या हुआ? वायर के अंदर एटम से इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकलना शुरू कर लिया, आगे चलना शुरू कर लिया। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या करना शुरू हो जाएंगे? टकराना शुरू हो जाएंगे, खुद से भी और जो फॉरेन इलेक्ट्रॉन है, सिल्वर या कॉपर, इनकी इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? फॉरेन इलेक्ट्रॉन। और जो खुद गोल्ड के इलेक्ट्रॉन है उसको क्या हम बोलेंगे? कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर खुद से भी, खुद के साथ भी टकराएंगे और जो फॉरेन इलेक्ट्रॉन होंगे उनके साथ भी टकराएंगे। इस टकराने को इंग्लिश में तो कोलूजन बोलेंगे, इस टकराने को ही हम क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे? लेकिन हमें ऐसी वायर लेनी है जिसके बीच में रेसिस्टेंस कम हो, ताकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी टाइम पे पहुंचे, हमारा इलेक्ट्रॉन बराबर फ्लो करे। इसलिए हम कॉपर की वायर लेते हैं, ये बिल्कुल शुद्ध कॉपर की बनी होती है, इसमें रेसिस्टेंस का चांस कम होता है, ठीक है?